आज अम्बाला में मानसून की पहली बड़ी बरसात ने दस्तक दी। जहां एक तरफ जनता को गर्मी से राहत मिली, वहीं जल प्रभाव के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून से पहले प्रशासन और नगर निगम द्वारा तैयारियों को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन पहले ही बरसात ने दावों की पोल खोलने का काम किया। एक ओर जहाँ लोगों ने घरों में पानी घुस गया है, वहीं दूसरी तरफ एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट तालाब की शक्ल में नजर आ रही है। कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि हर साल कपड़ा मार्केट का यही हाल होता है। तो चलिए इन सब पर नगर निगम अध्यक्ष का क्या कहना है वो जानते हैं। हर साल बारिशों के मौसम में इस मार्केट में कपड़े वालों की दुकानों में इतना पानी घुस जाता है, इतना नुकसान होता है। प्रशासन ने आज तक कभी सुध नहीं ली इस चीज़ के लिए। लोगों द्वारा बार बार इस चीज़ को आग्रह करने के बाद कपड़ा मार्केट में पानी की व्यवस्था से डूबता हुआ कपड़ा मार्केट कोई नहीं इसके लिए परवाह करता है। मेरी प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसके बारे में सोचा जाए, भाई पानी की निकासी कैसे की जा सकती है शहर के अंदर से, इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में भी सुध ली जाए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।